चीनू सब्जी नहीं खा पाया, लेकिन क्यों? बस राजा आओ आओ क्रिकेट खेलें, मीनू तुम भी आओ। ठीक है चलो खेलें। देखो माँ कहीं जा रही है। माँ शायद बाजार जा रही है, मैं माँ से पूछती हूँ। माँ आप बाजार जा रही हैं? हाँ मीनू मैं बाजार जा रही हूँ। माँ मैं भी चलूँ आपके साथ? माँ मैं भी, हम सामान खरीदने में आपकी मदद करेंगे। आप जो सामान खरीदेंगी उसके पैसे का हिसाब लगाने में हम आपकी मदद करेंगे। हाँ माँ मैं भी मदद करूँगा, अब मुझे भी मन में ही हिसाब लगाना आता है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, तुम सब मेरे साथ चल सकते हो। अरे राजा तुम भी चलो। भैया जरा 5 किलो आटा तो दे दो। अभी लो बहन जी। आटे के कितने रुपए हुए भैया? 75 रुपए बहन जी। 5 किलो आटा 75 रुपये का, मतलब 15 रुपये किलो। चीनू मुझे पता है यह 15 रुपए किलो का हिसाब कैसे लगाया, मैं इसे मन में ही कर सकता हूँ। यह 75 रुपए का 5 किलो आटा है, तो मीनू ने 75 को 5 से भाग किया और उत्तर आया 15। बिल्कुल ठीक बस। तुम भी समझदार होते जा रहे हो। ये लो बहन जी आपका 5 किलो आटा। अरे ये आटा तो देखो ये तो खराब है, ये थोड़ा गीला लग रहा है और ताजा भी नहीं लग रहा। हाँ माँ इसमें तो छोटे छोटे कीड़े भी हैं। छी इन्हें देखो। ओहो इसे खाकर तो हम बीमार ही हो जाएंगे। मैं इस आटे की रोटी कैसे बना सकती हूँ? इस खराब आटे की तो रोटियाँ भी खराब ही बनेंगी। ओह हे भगवान, माँ इसे खाकर तो मैं भी बीमार हो जाऊंगा। हमें तुमसे आटा नहीं लेना भैया, हम खराब आटा नहीं खरीदना चाहते, इसे खाकर तो हम बीमार हो जाएंगे। तुम ऐसा खराब आटा क्यों बेचते हो? अपना आटा रखो और कृपया हमारे रुपए वापस कर दो। इसे तो एक तरफ रख दो और किसी और को भी मत बेचना। चाचा इसे बेचने की कोशिश भी मत करिएगा, खराब सामान बेचना गलत बात है। चलो माँ हम यहाँ से अब कोई भी सामान नहीं लेंगे। हाँ मीनू तुम ठीक कहती हो, चलो आओ सब चले। माँ आपको कैसे पता चला कि आटा खराब है? क्योंकि आटे का रंग बदला हुआ था, उसमें से दुर्गंध भी आ रही थी। मैंने महसूस किया कि आटा कुछ गीला भी है, यह ताजा नहीं था। और फिर बज ने भी तो मदद की थी, आटे में छोटे छोटे कीड़े हैं, यह उसी ने तो बताया था। देखो मैं कितना समझदार हूँ, मैंने भी यह जानने में माँ की मदद की कि आटा खराब है। मैंने उसमें छोटे छोटे कीड़े देखे थे। छी मुझे यह कीड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माँ मुझे भूख लगी है, क्या आप खाने के लिए कुछ खरीद देंगी? माँ भूख तो मुझे भी लग रही है, चलो हम इस दुकान से खरीद कर कुछ खा लें। ठीक है आओ। मुझे नहीं पता कि इस दुकानदार के पास ताज़ा खाना है या नहीं। चीनू खाने से पहले उसे देखना होगा। मैं कुछ और खरीदने दूसरी दुकान पर जा रही हूँ, कुछ खाने से पहले ध्यान से देख लेना। हाँ माँ मैं ध्यान से देख लूँगा, अगर खाना खराब होगा
तो मुझे पता लग जाएगा। खराब खाने में से बदबू आती है। चाचा, हमें एक प्लेट आलू पूरी दीजिए। मुझे तो जोरों की भूख लगी है। मैं पहले खाना खाऊंगा। अरे अरे, रुको रुको चीनू, मुझे मत खाओ। यह कौन है? अभी मुझसे किसने बात की? ओह नहीं मीनू, मेरी मदद करो, मुझे डर लग रहा है। अभी मुझसे किसने बात की? यहाँ देखो, मैं हूँ। यह तुम्हारी कटोरी में रखी सब्जी, मैं आलू की सब्जी हूँ। मुझे खाने से तुम बीमार हो जाओगे। ओह सब्जी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें खाकर मैं बीमार हो जाऊंगा? क्यों? क्योंकि मैं खराब हो चुकी हूँ। मैं ताजा पकी हुई नहीं हूँ। तुम मुझे मत खाओ। ओह, तुम खराब हो गई हो? पर कैसे? बताओ, तुम कैसे खराब हो गई? मैं पकी हुई सब्जी हूँ चीनू। पकाई हुई सब्जी एक दिन के बाद खराब हो जाती है। चीनू, माँ ने कहा था ना कि खाने से पहले जांच कर लेना, पर तुम तो भूल ही गए। आलू की सब्जी चीनू को खराब खाना खाने से रोकने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद आलू भाई, तुम्हें खाकर तो मैं बीमार ही हो जाता। तो पकाया हुआ खाना जल्दी खराब हो जाता है, और जो चीजें पैकेट में बंद होती हैं, वे जल्दी खराब नहीं होते क्या? नहीं चीनू, पैकेट में रखी खाने की वस्तुएं भी खराब होती हैं। हाँ, पके हुए खाने जितनी जल्दी नहीं। हमें हमेशा पैकेट को ध्यान से देख लेना चाहिए और उस पर इस्तेमाल करने की आखिरी तारीख लिखी होती है। उस खाने की चीज का इस्तेमाल उस तारीख से पहले ही कर लेना चाहिए। ओह, मुझे अब पता चला। आलू भाई, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चले कि कौन सी चीज जल्दी खराब होगी और कौन सी चीज कुछ समय के बाद? ओ हाँ चीनू, इसका पता तुम खुद लगा सकते हो। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। हम स्वयं भी पता लगा सकते हैं, मगर कैसे? मैं एक आसान सा तरीका बताता हूँ। जिन चीजों में ज्यादा नमी होती है वे जल्दी खराब होती है, और सूखी हुई चीजें या सख्त वस्तुएं जल्दी खराब नहीं होती। नरम और सख्त वस्तुएं? मीनू, क्या तुम्हें समझ आया? हाँ बस, अब मुझे मालूम हो गया। टमाटर नरम होती है और आलू सख्त होते हैं, इसीलिए टमाटर जल्दी खराब हो जाते हैं, मगर आलू बहुत जल्दी खराब नहीं होते। बिल्कुल ठीक मीनू। इसी प्रकार खाने की गीली चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं, परंतु खाने की चीजें जो सूखी हैं, वे लंबे समय तक ठीक रह सकती हैं। अच्छा, ऐसा है। इसीलिए जब भी हम कहीं अपने रिश्तेदारों के पास रेलगाड़ी से जाते हैं, तो दादी माँ हमें सूखी रोटी और अचार रास्ते में खाने के लिए देती हैं। ओह, मुझे अब समझ आया। सूखा भोजन जल्दी से खराब नहीं होता, मगर आलू भाई,
मुझे कुछ बताओ। माँ आटे को बंद डिब्बे में रखती हैं। वे इस पर कस कर ढक्कन लगाती हैं। अच्छी तरह बंद डिब्बे में रखा आटा महीने भर से भी अधिक समय तक ताजा रहता है। लेकिन बंद डिब्बे में पड़ा यह ताजा कैसे रह जाता है? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। क्या तुम्हें पता है हवा में नमी होती है। आटे को खुला रखने पर यह हवा से गीला हो जाता है, इसीलिए ताजा रखने के लिए इसे हवा बंद डिब्बे में रखना पड़ता है जिसमें हवा न लग सके। मगर क्या तुमने कुछ ध्यान दिया चीनू? वही गेहूं का आटा पानी के साथ गूंधने के बाद एक दो दिन में ही खराब हो जाता है, इसलिए माँ रोटी बनाने से पहले नया आटा गूंधती है। चलो अब मुझे एक और बात पता चली, वर्षा ऋतु में चीजें कैसे खराब हो जाती हैं? रुको रुको, मैं बताता हूँ क्यों। हाँ, वर्षा ऋतु में वातावरण में नमी बढ़ जाती है। बस आजकल तुम भी ध्यान से सुन रहे हो, मुझे खराब भोजन पसंद नहीं है। आलू महाशय, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि खाने की चीजें हमेशा ताजी बनी रहे? नहीं चीनू, भोजन को सदा ताजा रखना संभव नहीं है, पर हाँ, खाने की चीजों को सुरक्षित रखने के कुछ अलग अलग तरीके जरूर हैं। मैं तुम्हें पके चावल को सुरक्षित रखने का तरीका बताती हूँ। अगर पके हुए चावलों को एक बड़े बर्तन में पानी रखकर उसमें चावल का बर्तन रख दें तो चावल अधिक समय तक ताजे रह जाएंगे। आलू भैया, दूध को सुरक्षित रखने के बारे में मुझे मालूम है। बिना उबाले तो दूध बस कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है, परंतु अगर हम उसे उबाल कर रखें तो वह सारा दिन ठीक रहता है। आलू भाई, तुमने बताया कि गीला भोजन जल्दी खराब होता है, मगर मैंने देखा है कि माँ सब्जियों और फलों के ऊपर पानी छिड़कती रहती हैं। तुम तो कह रहे थे कि नमी चीजों को खराब कर देती है, फिर तो इन फलों और सब्जियों को जल्दी खराब हो जाना चाहिए। नहीं चीनू, माँ कच्ची सब्जियों और फलों पर पानी डालती हैं। उन्हें तो ताजा रखने के लिए थोड़ा पानी छिड़कना ही पड़ता है, पर एक बार उन्हें पका दिया तो वे कुछ ही समय तक खाने लायक रह पाएंगी। अच्छा, अब पता चला कि माँ कच्ची सब्जियों तथा फलों पर पानी क्यों छिड़क देती हैं? इससे वे ताजी रहती हैं। चीनू, सब्जी बेचने वाले को भी मैंने सब्जियों पर पानी छिड़कते देखा है। अब पता चला क्यों? उन्हें भी ताजा रहने के लिए थोड़ा पानी पीने की जरूरत होती है। बस क्या तुमने ध्यान दिया है कि वह प्याज और लहसुन पर पानी नहीं छिड़कता? वे वैसे ही खुले में रखने पर भी खराब नहीं होते। तुमने ठीक कहा मीनू, उसे कच्चे आलू पर पानी छिड़कने की आवश्यकता नहीं होती। चलो एक खेल खेलें। इस बाजार में इधर उधर देखकर बताओ कि कौन सी चीज जल्दी खराब होने वाली है और कौन सी चीज नहीं। यह तो बड़ा रोचक रहेगा। चलो मैं शुरू करता हूँ।
देखो वहाँ परचून की दुकान। वहाँ रखी चीनी, नमक, सूखी दालें इत्यादि जल्दी खराब नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक चीनू, अब मेरी बारी। वह सब्जी की दुकान देखो, कच्ची सब्जियों और फलों की अगर पानी छिड़क कर ठीक से देखभाल की जाए तो वे 3-4 दिन तक ताजा रह सकती हैं। अब मुझे बताने दो, इस दुकान को देखो, इस दुकान में पका हुआ खाना 1 दिन बाद ही खराब हो सकता है। वहाँ देखो मिठाई की दुकान, दूध से बनी मिठाइयाँ 1-2 दिन तक ही ताजी रह सकती हैं। दूसरी मिठाइयाँ भी लगभग 1 हफ्ते तक ही ताजी रह सकती हैं। वहाँ देखो पीली रसीले आम, उन्हें देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मीनू चलो कुछ आम खाएं। ठीक है चीनू, चलो आम खाएं। आलू भैया अब हम चलेंगे, खाने की चीजों के बारे में हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए आपका धन्यवाद। अलविदा, फिर मिलेंगे। आम तो बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन जो आम मैंने अपने मामा के घर हैदराबाद में खाए थे वे तो बहुत स्वादिष्ट थे। हैदराबाद यह कहाँ है? हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अब तुम पूछोगे कि आंध्र प्रदेश कहाँ है? बस पूछने से पहले ही मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता हूँ। आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत का एक राज्य है। आओ बस मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो वह आदमी बड़ा मानचित्र बेच रहा है। मैं इस मानचित्र में तुम्हें दिखाता हूँ कि आंध्र प्रदेश कहाँ है। देखो यह रहा आंध्र प्रदेश और यह है वहाँ की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, अब मुझे पता चला तुमने हैदराबाद में अपने मामा के घर पर मीठे मीठे आम खाए थे, मगर तुम मुझे साथ नहीं ले गए थे। तब तुम वहाँ नहीं थे, हमने वहाँ कच्चे आम भी खाए। हमारी मामी कच्चे आमों को काट कर उन पर नमक मिर्च छिड़क देती थी, वे बड़े ही स्वादिष्ट लगते थे। चीनू तुम्हें याद है ना वे आम पापड़ कैसे बनाते थे? हाँ हाँ, हम भी तो आम पापड़ बनाने में अपने मामा मामी की सहायता करते थे। मीनू लेकिन उसका कुछ और नाम था, तुम्हें याद है? हाँ चीनू, तेलुगु भाषा में वे उसे मामड़ी तंद्रा कहते हैं। तेलुगु? क्या यह भी किसी जगह का नाम है? नहीं, बस यह भाषा का नाम है। जैसे हम यहाँ हिंदी भाषा बोलते हैं, वैसे ही आंध्र प्रदेश में लोग तेलुगु भाषा बोलते हैं। हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। अच्छा, अब तुम मुझे बताओ मामड़ी तंद्रा कैसे बनाते हैं? देखो मैं भी तेलुगु बोल सकता हूँ। मामड़ी तंद्रा बनाने में लगभग 4 हफ्ते लगते हैं। पहले वे सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे चटाई, गुड़ तथा चीनी आदि। ओह मीनू, तुम आम बताना तो भूल ही गई। हाँ बस आम तो सबसे जरूरी है। हमने मिलकर पेड़ से आम तोड़े, फिर उन्हें छीला।
फिर सब आमों का गूदा निकाल दिया। हमारी मामी जी ने उस गूदे को कपड़े से छान कर उसके रेशे अलग कर दिए। फिर मामा जी ने उसमें चीनी और गुड़ मिलाया। फिर उन्होंने छत पर तेज धूप में चटाई बिछा दी। इस पर उन्होंने आम के गूदे की एक परत को सूखने के लिए फैला दिया। शाम के समय मामी जी उस चटाई को साफ पतली साड़ी से ढक देती थी, जिससे कि गूदा गंदा न हो जाए। अगले दिन से हमारा काम भी शुरू हो गया। मामा जी हर रोज गूदे में चीनी और गुड़ मिलाकर देते। हम छत पर साड़ी हटाकर उस पर आम के गूदे की एक और परत बिछा देते और उसे सूखने देते। हमने अपने ममेरी बहन भाइयों के साथ मिलकर लगभग 4 सप्ताह तक ऐसा ही किया। हमने अपने ममेरे बहन भाइयों के साथ खूब मजे किए। कभी कभी हम थोड़ा गुड़ खा भी लेते थे। ये गूदे की परतें धीरे धीरे मोटी होती गईं। 4 सप्ताह के बाद यह लगभग 5 सेंटीमीटर मोटी हो गई। यह देखने में सुनहरी केक जैसा लगता था। देखकर ही मुंह में पानी आता था। 4 सप्ताह के बाद हमारी मामी जी ने बताया कि अब यह खाने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि अब मामड़ी तंद्रा को काट कर खाया जा सकता है। हम तो खुशी के मारे कूदने लगे। हमने तो वह स्वादिष्ट आम पापड़ खूब खाया। मुझे भी यह बहुत अच्छा लगा। मामी जी आम से कई तरह के अचार भी बनाती थीं। इनमें से एक को आवकाय कहती हैं। मुझे वह बहुत पसंद है। मीनू, तुम्हें क्या पसंद है? माँ, हम हैदराबाद वाली मामी जी के बनाए आम के अचार और अन्य स्वादिष्ट चीजों की बात कर रहे थे। हाँ, वह आम से अचार और अन्य व्यंजन बहुत अच्छे बनाती है। आओ, अब घर चले। माँ, उस दुकान पर सब्जी बासी और खराब थी। चीनू बेचारा कुछ खा नहीं सका। वह भूखा ही रह गया। चलो, जल्दी से घर पहुंचकर ही कुछ खाते हैं। ओह, ऐसा क्या? अच्छा है कि तुमने नहीं खाया। क्या तुमने अपने मित्रों को भी बताया कि वे सड़ा हुआ बासी खाना ना खाएं? दोस्तों, कभी भी खराब बासी खाना नहीं खाना चाहिए। इसे खाने से तुम बीमार हो सकते हो। क्या तुम एक क्रिया करना चाहोगे? तुम एक रोटी पर थोड़ा पानी छिड़क कर एक मर्तबान में डालो और मर्तबान को अच्छी तरह बंद कर दो। उसे हर रोज देखो और पता लगाओ उसमें क्या बदलाव आता है। चीनू मीनू भी घर जाकर यह क्रिया करेंगे। जरा पता लगाने की कोशिश करना कि यह रोटी कितने समय में खराब हो जाती है। इसे ध्यान से देखकर मुझे बताना कि क्या हुआ। आओ, खाद्य पदार्थों का मिलान उन्हें लंबे समय तक ताजा रखने के तरीके से करें। दूध। उबाले। पके चावल। एक
बर्तन में रखकर बर्तन को पानी में रखें। हरा धनिया, गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। प्याज और लहसुन, सूखे खुले स्थान पर रखें। आओ सही उत्तर देने में खरगोश की मदद करें। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। मामड़ी तंद्रा के लिए अन्य नाम, आम पापड़। मामड़ी तंद्रा बनाने के लिए आवश्यक वस्तुएं, गुड़, चीनी, आम का गूदा और चटाई। आम से बनाए जाने वाली विभिन्न चीजें, अचार, आम पापड़, चटनी, चिक्की, जूस। भोजन खराब होने का कारण, हवा में नमी। खराब भोजन में होती है दुर्गंध। क्या इन वाक्यों को सही और गलत बताने में तुम पक्षी की मदद करोगे? कच्चे आम का रंग पीला होता है। गलत, चार दिन पुराना भोजन खाया जा सकता है। गलत, खराब आटे में बदबू होती है और यह गीला भी होता है। सही, सड़ा हुआ भोजन खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं। सही, पैकेट पर लिखी खराब होने की तिथि निकल जाने पर भी हमें उस बंद भोजन को अवश्य खाना चाहिए। गलत, नर्म खाद सामग्री देर से खराब होती है। गलत,
सूखी खाद्य वस्तुएं बहुत दिन तक खराब नहीं होती। सही। हवाबंद डिब्बे में रखा गेहूं का आटा लंबे समय तक ताजा रहता है। सही। नमी से भोजन जल्दी खराब होता है। सही। आंध्र प्रदेश के लोग तमिल बोलते हैं। गलत। आओ सही उत्तर पर निशान लगाने में बस की मदद करें। सड़ा हुआ भोजन खाने से हम स्वस्थ और मजबूत बनते हैं, बीमार होते हैं उपरोक्त में से कोई नहीं। सड़ा हुआ भोजन खाने से हम बीमार होते हैं। आटे को खराब माना जाता है जब छूने पर गीला लगे, इसमें बदबू हो, ऊपर के सभी। आटे को खराब माना जाता है जब छूने पर गीला लगे, इसमें बदबू हो। पकी हुई सब्जी खराब हो जाती है एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में। पकी हुई सब्जी खराब हो जाती है एक दिन में। पैकेट में बंद खाद्य सामग्री खरीदते समय हमें देखना चाहिए पैकेट पर बने चित्र, पैकेट का आकार, पैकेट पर लिखी खराब होने की अंतिम तिथि। पैकेट में बंद खाद्य सामग्री खरीदते समय हमें देखना चाहिए पैकेट पर लिखी खराब होने की अंतिम तिथि। दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है पानी में डालकर, पानी में रखकर, उबालकर। दूध को खराब होने से बचाया जा सकता है उबालकर। आओ दिए गए उत्तरों की सहायता से खाली स्थान भरें। टमाटर आलू से खराब होते हैं धीरे, जल्दी या समान समय। जल्दी टमाटर आलू से जल्दी खराब होते हैं। भोजन में जल्दी खराब होता है वसंत ऋतु, वर्षा ऋतु या शीत ऋतु।
वर्षा ऋतु, भोजन। वर्षा ऋतु में जल्दी खराब होता है। पके आम का रंग होता है गुलाबी, जामुनी, पीला या भूरा। पीला। पके आम का रंग पीला होता है। आओ अब प्रश्नों के उत्तर दें। दोस्तों, क्या तुम भी उत्तर अपनी पुस्तिका में लिखोगे? तुम्हें कैसे पता चलता है कि आटा खराब है? जब आटा गीला हो और दिखने में ताजा न लग रहा हो, आटे का रंग बदला हुआ लगेगा और इसमें से बदबू भी आएगी। आटे में छोटे छोटे कीड़े भी होंगे। खराब आटे की बनी रोटी खाने पर क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा और हम बीमार पड़ जाएंगे। पकी हुई सब्जी के खराब होने का पता कैसे चलता है? सब्जी में से बदबू आएगी, उसका स्वाद भी खराब लगेगा। कौन से खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं? नरम खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। सख्त खाद्य वस्तुएं देर से खराब होती हैं। पैकेट में बंद खाद्य पदार्थ खरीदते समय किस बात पर ध्यान देना चाहिए? हमें इसकी बनने व खराब होने की तिथि को अवश्य देखना चाहिए। भोजन खराब कैसे होता है? हवा में मौजूद नमी के संपर्क में आने से भोजन खराब हो जाता है। वर्षा ऋतु में ऐसा अधिक होता है। क्या तुम ऐसे 5 खाद्य पदार्थ बता सकते हो जो एक दिन में खराब हो सकते हैं? जो 2-3 दिन में खराब हो सकते हैं, जिन्हें 1 सप्ताह तक रखा जा सकता है, जो 1 महीने तक खराब नहीं होंगे। क्या आप कृपया उत्तर को अपनी पुस्तिका में लिखोगे? फिर अपने उत्तर को अपने मित्रों से मिलाकर तो देखो, बहुत मजा आएगा। फिर मिलेंगे मित्रों, अलविदा।